अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइस टुडे वी आर रिएक्ट ऑन उत्तर प्रदेश 2024 वर्सेस बांग्लादेश 2024 कंपैरिजन, स्टेट वर्सेस कंट्री कंपैरिजन। ये होगा कांटेदार मुकाबला, ठीक है। ये तो मतलब उत्तर प्रदेश इंडिया में है, बिल्कुल ठीक है, इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। चले पहले देखते हैं ये क्या किया है भाई। किसी ने बहुत ही निका सा कर दिया है दोस्तों। आज के इस कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य को कंपेयर करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में और देखेंगे दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इंडियन सपोर्टर्स इस वीडियो को लाइक करना एंड बांग्लादेशी सपोर्टर्स कमेंट में हैशटैग बांग्लादेश लिख देना। आइए शुरू करते आज का यह वीडियो। तो उत्तर प्रदेश एंड बांग्लादेश अपनी वास्ट पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। गाइस उत्तर प्रदेश की 2024 में आबादी लगभग 24.1 करोड़ की है। यहाँ पर आपको हर एक किलोमीटर के दायरे में 990 लोग रहते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। वहीं बांग्लादेश की करंट पॉपुलेशन 17.1 करोड़ पीपल है और यह दुनिया का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 1151 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। उत्तर प्रदेश की 24.1 करोड़ की पॉपुलेशन में 68% पॉपुलेशन वेल लिटरेट है, जबकि 17% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। यहाँ पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी इंटरनेट को यूज़ करती है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 75% का है। आबादी का 18% भाग गरीबी रेखा से नीचे आता है। बजट की बात की जाए तो 2023 में उत्तर प्रदेश का बजट 6.9 लाख करोड़ इंडियन रुपी था, बांग्लादेश का 5 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो यानी 3,78,000 इंडियन रुपए। साथ ही HDI वैल्यू की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। उत्तर प्रदेश का HDI 2024 में 0.610 मीडियम लेवल का है, वहीं बांग्लादेश का 0.660 मीडियम लेवल का। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, गाइस उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ, जबकि लार्जेस्ट सिटी कानपुर है, जबकि बांग्लादेश की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ढाका है। उत्तर प्रदेश की दूसरी मेजर सिटीज़ में गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज एंड बरेली सिटी का नाम आता है, जबकि बांग्लादेश की दूसरी मेजर सिटीज़ में चिटागोंग, खुलना, रंगपुर सिटी, कोमिला, राजशाही एंड सिपगनी सिटी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश के CM मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर मिसेस आनंदीबेन पटेल है। बांग्लादेश की PM मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। इकोनॉमी कंपैरिजन, गाइस उत्तर प्रदेश की नॉमिनल GDP 384 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, जो कि इंडिया का सेकेंड वेल्थिएस्ट स्टेट है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम 1593 यूएस डॉलर्स की है एंड GDP करंट टाइम पर 19% के ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है। बांग्लादेश की GDP 470 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि पूरी दुनिया में 33 रैंक पर स्टैंड करती है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 2748 यूएस डॉलर्स की है एंड GDP ग्रोथ रेट 6% का है। इंडस्ट्री कंपैरिजन, उत्तर प्रदेश के पास डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस मौजूद है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जबकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स बांग्लादेश की इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, जो कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट में भी अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन रखता है। साथ ही बांग्लादेश फार्मास्यूटिकल एंड शिप बिल्ड सेक्टर में बेहतर वर्क कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पास रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड पावर सप्लाई का वास्ट नेटवर्क है। यहाँ की कुछ मेजर सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर, आगरा एंड नोएडा में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आने वाले टाइम में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह इम्प्रूव कर देंगे। बांग्लादेश के पास भी रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड पावर जनरेशन फैसिलिटीज मौजूद है। यह देश भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में खूब इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में इसकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। इसके बाद कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बेस्ट टूरिस्ट साइट्स में आगरा, वाराणसी, अयोध्या, वृंदावन, लखनऊ, सारनाथ एंड मथुरा का नाम आता है, जबकि बांग्लादेश में आप सिलैत, कॉक्सिस बाजार, ओल्ड ढाका, सोनार गांव, चिटागोंग एंड द सुंदर वंस को विजिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलता है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, काफी अच्छा कंपैरिजन है, बिल्कुल देखा जाए तो जाहिर सी बात है यार। अच्छा, बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी जो है ना वो अभी तक स्टिल बरकरार रखी हुई है, ठीक है। काफ़ी अब लखनऊ और अपना आगरा, ठीक है, ये बहुत बड़े से शहर है, ठीक है, बट फिर भी जो है ना अपना इन्होंने अभी तक नहीं अपना बांग्लादेश को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। कंपैरिजन वैसे अच्छा बनाया, हाँ कंपैरिजन अच्छा बनाया, बट ये था ना एक ये भी चीज़ है ना कि ये एक सिर्फ जस्ट स्टेट है, इंडिया ने अपनी इंडिया की स्टेट है, पूरे बांग्लादेश के साथ किया है। हाँ ये भी चीज़ है ना, पर ये उनका बांग्लादेश आगे जा रहा है, हाँ बांग्लादेश बिल्कुल स्टेट उनकी पीछे जा रही है, वो एक स्टेट है। हाँ ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, दोनों में मतलब डिफरेंस तो है, लेकिन ये देखें कि वाकई इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और बांग्लादेश भी डेवलपिंग कंट्री है, और नो डाउट बांग्लादेश हर लिहाज से आगे रहा है। पर ये देखें ना कि इंडिया जो है ना वो 1947 से लगा, ये 71 से है, ये बाद में लग के हाँ वो स्टेट बिल्कुल ना, एक कंट्री का कंट्री के साथ नहीं हो रहा, एक स्टेट का एक कंट्री के साथ हो रहा है, अगर इस वजह से फिर ह्यूज डिफरेंस है। अब बांग्लादेश की आबादी मेरे ख्याल 18 करोड़ है टोटल, 20 करोड़ है, 17-18 करोड़ है, ठीक है। अब इंडिया की आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ है, ठीक है, लमसम 10-12 गुना ज़्यादा, ठीक है, बट फिर भी बांग्लादेश अपनी अचीवमेंट कर रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये करता ही रहेगा। तो जी गाइस ये था आज का कंपैरिजन, ठीक है, तो कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।